धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज आपकी अनुमति से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ, और ये विषय जो है वो न केवल हमारे अतीत से बल्कि हमारी संस्कृति से भी संबंध रखता है, और वो है भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है वो हमारे मौलिक चिंतन से लेकर कार्यशैली, प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, और यह एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें एक दिशा दिखाता है, और इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें राइट टू नो जो है वो प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये खुद आधा अधूरा जनता को मिलता है, और उसका कारण है कि जो संविधान सभा थी उसके 281 सदस्य थे जिनके हस्ताक्षर हैं, जो हस्तलिखित जो मौलिक संविधान है उसके अंदर, और साथ ही तकरीबन 28 उसके अंदर रेखाचित्र हैं जो कि उन सभा सदस्यों की मर्जी से उसमें डाले गए थे। लेकिन जो संविधान की प्रति जन समान को प्राप्त है उसमें सामान्य जन को जो प्रति प्राप्त है उसके अंदर ना तो उन 281 सभा सदस्यों की सूची है और ना ही उसके अंदर वो 28 चित्र किसी को प्राप्त होते हैं। तो आपकी अनुमति से मैं ये मांग करती हूँ कि जो लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है लेजिस्लेटिव ब्रांच, वो ऐसी संविधान की प्रति आम जन को दे जो कि भारत की आत्मा से जुड़ा है, जिसके अंदर 201 अध्यक्ष आधा मिनट और जिसमें 281 जो जिन्होंने ये संविधान सभा में लिखा उनकी सूची, दूसरा जितनी उसमें रेखा चित्र हैं वो साथ लगे हों, और तीसरा पार्ट 12 जो है उस पार्ट 12 के पहले एक नटराज जी की रेखा चित्र है जो कि खंडित नटराज जी हैं, और साथ में जो स्वास्तिक है वो उल्टा बना हुआ है, उसको भी करेक्ट करके ये सूची सबको, ये संविधान सबको, जनता को उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।